हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एरर के बारे में, क्या होता है प्रोग्रामिंग एरर एंड प्रोग्रामिंग का टाइप क्या होता है प्रोग्रामिंग एरर का। देख लीजिए प्रोग्रामिंग एरर क्या होता है। प्रोग्रामिंग एरर हो रहा है, आप जब प्रोग्रामिंग लिखने जाओगी तो प्रोग्रामिंग लिखने का टाइम में जान के और थोड़ा गलती से कुछ कुछ गलत निकल जाते हैं। उस जो एरर होता है, उस एरर को तीन टाइप्स का अंदर हम लोग फेंकते हैं। वो हो रहा है वन टाइप हो रहा है सिंटेक्स एरर, एंड टू दो नंबर हो रहा है लॉजिकल एरर, एंड तीसरा हो रहा है इंफॉर्मेशन एरर। व्हाट इज द सिंटेक्स एरर? सिंटेक्स एरर एनी ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर मीन्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो ग्रामेटिकल गलत निकलता है। मीन्स प्रोग्रामिंग सपोज प्रिंट एफ है लिखना पड़ेगा, बट आप लिख दिए प्रिंट ओनली, और प्रिंट का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, और कहाँ पे हो कॉमा नहीं दिए और ब्रैकेट मिस्टेक कर दिए, तो जो गलत निकलेगा, जो ये एक तो एरर होता है ना, इसको बोलता है सिंटेक्स एरर। इस तरफ जो जितना भी एरर होगा उसको इसका अंदर ही रखा जाता है, इसको बोलता है सिंटेक्स एरर। एंड लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकली जो सब जितना भी एरर होता है उसको लॉजिकल एरर बोलता है। सपोज आपको दिया हुआ है फाइंड एडिशन टू नंबर्स, देन टू नंबर्स ए एंड बी, टू वेरिएबल्स, तब तो आपको लिखना पड़ेगा जैसे ही कोडिंग लिखा होता है ऐसे ही, तब प्रिंट एफ दे के वो जो इनपुट लेने पड़ेगा। उसके बाद सम इक्वल टू और कुछ भी वेरिएबल जो भी आप पकड़ लीजिएगा, तब तो सम इक्वल टू, सपोज सम लिए तो सम इक्वल टू एफ प्लस बी, तो आप ए प्लस बी का प्लेस में आप ए माइनस बी कर दीजिएगा, तब तो लॉजिकली गलत हो जाता है। इसको बोलता है लॉजिकल एरर। इस टाइप एरर को बोलता है लॉजिकल एरर। इस टाइप एरर जितना भी एरर होता है उसको इसका अंदर ही रखा जाता है। अभी है इंफॉर्मेशन एरर। इंफॉर्मेशन एरर कहते हैं आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसके आप एक भी गलत कर दीजिएगा तो उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। सपोज आपको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए बोल दिया, बट आप एक्स वाई दिया, एक्स का वैल्यू 12 है एंड वाई का वैल्यू 26 24 है। आप एक्स का वैल्यू 19 और 24, वाई का वो वैल्यू भी 24 दे दिए, तो अब क्या होगा? आंसर तो निकल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन सही होगा, लेकिन एज ए क्वेश्चन दिस आंसर विल बी रॉन्ग। दिस टाइप ऑफ एरर बोलता है इंफॉर्मेशन एरर। एंड एक्सेप्शन आप लोग देख पा रहे हो, जो एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होता है कंपाइलर कुछ कुछ एरर होता है जिसको पकड़ नहीं पाता है कंपाइलर। दिस टाइप ऑफ एरर टू टाइप्स होता है, रन टाइम एरर एंड कंपाइलेशन एरर। दिस टाइप ऑफ एरर्स कॉल्ड एक्सेप्शन एरर बिकॉज कंपाइलर कैन नॉट फाइंड आउट दिस टू टाइप्स एरर और ट्रैक आउट डिटेक्ट टू टाइप्स एरर। सो इट इज एक्सेप्शन, रन टाइम एरर, कंपाइलेशन टाइम एरर। आप लोग पढ़ेगी इसका बारे में डिटेल्स जब आप प्रोग्रामिंग रन करने जाओगी तब देख पाओगी। जो लॉजिकल एरर, जो इंफॉर्मेशन एरर, सिंटेक्स एरर अच्छे से दिखाई दे रहा है, कंपाइल पकड़ ले रहा है, लेकिन दिस टाइप ऑफ एरर, टू टाइप्स ऑफ एरर कंपाइलर नहीं पकड़ पाता है। दे कैन नॉट फाइंड ट्रैक आउट डिटेक्ट दिस टाइप्स ऑफ एरर। दिस टाइप्स ऑफ एरर आर कॉल्ड एक्सेप्शन। आज के वीडियो इसमें ही खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक का ऊपर वीडियो आएगा, आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। थैंक यू।